सपोज करो हमारे पास ये ट्री है जिसको हमें अरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ये हमारा फर्स्ट नोड है, ठीक है, ए बी सी है, डी ई है, ठीक है। अब इसको नंबरिंग कैसे करेंगे, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है। अब यहाँ पर इसका फाइव मिसिंग है, ठीक है, फिर इसका सिक्स मिसिंग है, और ये क्या है, सेवन। क्योंकि हमें पता है कि ये क्योंकि लेवल टू का है, लेवल ज़ीरो, लेवल वन, लेवल टू, तो इसकी हाइट किसके बराबर होती है, लेवल्स के इक्वल। तो इसकी लेवल कितनी है, टू। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इस ट्री में कितने होंगे, टू टू द पावर एच प्लस वन माइनस वन, टू टू द पावर टू प्लस वन माइनस वन, यानी टू की पावर थ्री माइनस वन, यानी कि एट माइनस वन, यानी कि सेवन। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स होती है वही साइज ऑफ एरे होती है। तो मुझे इसमें कितने साइज की एरे चाहिए होगी, सेवन साइज की। तो यहाँ पर जो है स्टोरेज कैसे होता है, पहले ए होगा, पहले लेवल ज़ीरो के नोड्स होते हैं, फिर लेवल वन के, तो लेवल वन के क्या है, बी सी, फिर लेवल टू के, तो पहले आया डी। अब जो फिफ्थ नोड है वो मिसिंग है, तो यहाँ पर एम्प्टी स्पेस रहेगा, मेमोरी वेस्टेज होगी। फिर यहाँ पर सिक्स्थ नोड मिसिंग है तो एम्प्टी रहेगा। फिर नेक्स्ट क्या आया है, सेवन्थ नोड हमारा क्या है, ई। तो इस टाइप से इसमें क्या हो रही है, मेमोरी वेस्टेज हो रही है। अब हमें अगर सपोज फाइंड करना है कि ए का लेफ्ट और राइट कहाँ पर है, तो ए के मुझे फाइंड करने हैं लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड। तो हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है कि किसी भी नोड का अगर आपको आई इंडेक्स पता है, तो उसका लेफ्ट चाइल्ड 2i पे स्टोर होता है और राइट चाइल्ड 2i+1 पे होता है। तो ए का इंडेक्स क्या है, वन, तो उसका लेफ्ट चाइल्ड कहाँ पे होगा, 2 × 1 यानी कि 2 पे, यानी कि बी जो है ए का लेफ्ट चाइल्ड है। और उसका राइट चाइल्ड कहाँ पर होगा, मतलब 2 × 1+1, तो ये हो गया 3। तो उसका लेफ्ट राइट चाइल्ड कहाँ पर होगा, 3 पे। तो ए का राइट चाइल्ड क्या है, सी। अब सपोज मुझे फाइंड करना है बी का लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड, तो बी का इंडेक्स क्या है, 2, इसका इंडेक्स है 2, तो 2 × 2 क्या आया, 4। तो बी का जो है लेफ्ट चाइल्ड है डी, जो कि 4 पे स्टोर है। अब इसका राइट चाइल्ड कहाँ पे होगा, 2 × 2+1 यानी कि 5, तो 5 पे क्या है, ब्लैंक है, इसका मतलब है इसका राइट चाइल्ड नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया, अगर आपको किसी नोड का इंडेक्स पता है तो आप उसका लेफ्ट और राइट फाइंड कर पा रहे हो इस फॉर्मूले से। लेकिन अगर आपको किसी चाइल्ड नोड का इंडेक्स पता है तो आप उसका पेरेंट भी फाइंड कर सकते हो। जैसे मुझे सपोज बी का पेरेंट फाइंड करना है, तो बी का इंडेक्स क्या है, 2। फॉर्मूला क्या होता है, आई अगर चाइल्ड है तो उसका पेरेंट होता है आई बाय 2 की फ्लोर वैल्यू पे। तो अगर आई 2 है तो 2/2 यानी कि 1, तो बी का जो है पेरेंट कहाँ पर स्टोर है, 1 पे, यानी बी का पेरेंट क्या है, ए। और अगर मुझे सी का पेरेंट फाइंड करना है तो सी का इंडेक्स क्या है, 3, तो 3/2 की फ्लोर वैल्यू क्या आएगी, 1.5, इसका हो जाएगा 1, फ्लोर मतलब छोटी वाली वैल्यू। तो 3 का जो पेरेंट है वो भी कहाँ पे स्टोर है, 1 पे, ठीक है। अब जैसे मुझे ई का फाइंड करना है, तो ई का इंडेक्स क्या है, 7, ई का इंडेक्स क्या है, 7, तो 7/2 पर इसका पेरेंट होगा। तो 7/2 मतलब 3.5, 3.5 की फ्लोर वैल्यू, छोटी वाली वैल्यू 3.5 की क्या होगी, 3, तो 7 का पेरेंट कहाँ पर होगा, 3 पर होगा। जैसे मुझे सी का लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड चाहिए, तो सी का लेफ्ट चाइल्ड कहाँ होगा, 3 × 2 यानी 6, और 6 क्या है, ब्लैंक, इसका मतलब इसका कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है। और इसका राइट चाइल्ड कहाँ होगा, 3 × 2+1 यानी 6+1 1 7, तो 7 पर होगा। तो इस टाइप से इन फॉर्मूलेस को यूज़ करके हम किसी भी नोड का लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड फाइंड कर सकते हैं, या किसी भी चाइल्ड का पेरेंट फाइंड कर सकते हैं।